जी अनिमेश, और जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, इस पर ललित ग्रेट ईस्टर्न होटल से बिल्कुल रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे थोड़ी देर पहले प्रेस मीट चल रही थी। 22 जनवरी को रिलीज होने वाली मूवी, मोस्ट अवेटेड मूवी मैं मुलायम, और हमारे साथ इस वक्त नॉट अदर देन लीड रोल में नजर आ रहे हैं मुलायम सिंह यादव के रोल में नजर आ रहे हैं अमित जी, उनके साथ हमारी बातें होने वाली है। अमित, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है राइटिंग एंड फ्लाइंग ट्रेन से, और हम कह सकते हैं कि नए साल में नया गिफ्ट मिल रहा है, कुछ कहना चाहेंगे मैं मुलायम के मैजिक के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल एंड ऑल माई फ्रेंड्स ऑफ इंडिया। यस, 22 जनवरी को ये मूवी रिलीज हो रही है, इट्स वेरी गुड न्यूज फॉर अस एंड फॉर इंडिया, बिकॉज नॉट ओनली वी रिलीजिंग दिस मूवी इन इंडिया बट ऑल्सो ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो एंड बिफोर रिलीज ऑल्सो मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहूँगा, हम लोग की मूवी ऑलरेडी लिफ्ट पुणे अवार्ड से 8 अवार्ड से हम लोग का सहारा गया है। कुछ इस मूवी के बारे में ये बताऊँगा कि ये मूवी सिर्फ मुलायम सिंह जी की बायोपिक नहीं है, ये एक इंस्पिरेशन है कि एक किसान घर का लड़का, एक गरीब घर का लड़का अगर जर्नी करके मन में इच्छा अगर चाह हो तो रहा है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कि देर सवे, तो ये मुलायम सिंह ने प्रूव किया है। तो उनको क्या इन्फ्लुएंस किया था कि पॉलिटिक्स में आए, तो उनका ये क्या बोलते हैं किसान घर के लड़के से लेकर जो फर्स्ट है वो प्रदेश का सीएम बनते हैं प्रदेश का, ये पूरी जर्नी है उनकी। तो थोड़ी देर पहले जब ऑफ एयर बातें हुई थी, बहुत मेहनत करनी पड़ी है, बहुत चैलेंजिंग रोल था, बहुत सारी मुश्किलें भी आई, आपको बहुत सारा होमवर्क करना पड़ा, कुछ अगर हमारे साथ यादें शेयर करें। होमवर्क सबसे बड़ा टफ मेरे लिए यहाँ पे था, मुझे कुश्ती सीखनी पड़ी थी, आई एम नॉट अ रेस्लर, तो दैट वॉज वेरी चैलेंजिंग। उसके लिए मुझे 3 मंथ्स रोहतक में रह के मुझे कुश्ती सीखना पड़ा, दैट वॉज वेरी टफ, लेकिन आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ और कि मैं उसको दे पाया स्क्रीन के सामने, तो आई होप पब्लिक बहुत पसंद आएगी। और जो सबसे फनी थिंग था जो मैं शेयर करना चाहूँगा अपनी जनता के साथ कि आई हैड टू वैक्स माई होल बॉडी विच हेलो पेन मम्मी, तो लॉट ऑफ चैलेंजेस होते हैं बट हाँ मजा आया करने में। बिल्कुल, लेकिन मैं जानना चाहूँगा जब एक बायोपिक होता है इतने बड़े लीडर का रोल जो प्ले कर रहे हैं, थोड़ी सी आपको टेंशन हुई होगी, थोड़ा सा आपको लगा जरूर होगा कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं, तो उनके बारे में आपने कुछ जाना, उनके बारे में कुछ स्टोरी पता की, यूट्यूब पर देखा या उनके उनसे मिले? नहीं, मुलायम जी से मेरी मुलाकात बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन हाँ जब इस रोल के लिए ऑडिशन दिया था मैंने, उस टाइम भी काफ़ी टेंस था, लेकिन चलो अच्छा हुआ आई क्रैक द रोल। लेकिन जब उसका स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी, स्क्रिप्ट मुझे बहुत अच्छी लगी, मुलायम सिंह जी का कुछ मैंने वीडियोस यूट्यूब पर देखा, देखते हुए तो मैं कॉपी करने की कोशिश की मैंने, और बाकी मैंने अपनी तैयारी पूरी जो है स्क्रिप्ट के हिसाब से की। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या लगता है ये मूवी कैसा करने वाली है वॉट्सअप में, तो क्योंकि पैंडमिक के बाद न्यू नॉर्मल है मूवी रिलीज हो रही है। देखिए मूवी बहुत ही अच्छी बनी है, ये मूवी जनता को बहुत अच्छी लगी, स्पेशली आई वॉन्ट टू से दैट ये यंग जनरेशन के लिए एक इंस्पायरिंग मूवी है, कि मुलायम सिंह जी ने जो विन दस विन दस वे वाला जो एक प्रभाव है उसको उन्होंने प्रूव किया है। तो व्हाट दिस मूवी स्पेशल फॉर यंग जनरेशन टू एंड वॉच इट, काफ़ी कुछ सीखने को है यहाँ पे, एंड फिंगर्स आर क्रॉस्ड, आई जस्ट वॉन्ट टू अपील माई फ्रेंड्स, माई इंडियन फ्रेंड्स, प्लीज गो एंड वॉच दिस मूवी, गिव अस योर लव एंड गिव मी ब्लेसिंग्स। 40 लाख लोग आपकी आवाज़ सुन रहे हैं और लाखों लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं वीडियो, सभी के लिए डायलॉग हो जाए, जिंदा कौमे 5 साल तक कभी इंतजार नहीं करती। थैंक यू सो मच, हमारे साथ अभी बातें करने के लिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।